आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। जिस तरह से गलवान घाटी में बीते दिनों चीनी सैनिकों से झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, उन्हीं शहीद सैनिकों की याद में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सभी 20 सैनिकों को दीप प्रज्वलित और होली के चित्र पर माल्यार्पण कर लोजपा नेता उपेंद्र यादव, चंदन यादव, डॉक्टर शाहबाज अहमद कैफी ने श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर कैफी ने कहा कि हम लोग आज भारत के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के 73वें जन्म दिवस के रूप में हम लोग बेहद ही सादगी से मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी विकराल रूप ले रही है और लाखों लोगों की मौत हो गई है। पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट। सर, क्या कुछ सर कार्यक्रम आदरणीय रामविलास पासवान जी के निर्देशन पर आज बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय है। उनका जन्मदिवस हम लोगों ने भारत और चाइना के शहीदों के याद में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने आज उनके जन्मदिवस को मनाया। और आज हम लोगों ने ईश्वर से यह कामना की कि हमारे नेता, हमारे पार्टी के संरक्षक और देश के दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज़, उनकी उम्मीद, उनकी आशा, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे ताकि हम लोगों को मार्गदर्शन उनका मिलता रहे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इस देश में कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं और आदरणीय रामविलास पासवान जी ने दो चार दिन पहले देश के प्रधानमंत्री के साथ 80 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए जिस तरीके से अपने विभाग से, जो उनका विभाग है खाद से, जो 5 किलो अनाज और चना 1 किलो देने की घोषणा की, अब निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन रहेगा, उनकी सोच के साथ देश आगे बढ़ेगा। हम तमाम पार्टी के लोग जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ पूर्व विधायक हमारे आदरणीय सुनील पांडे जी हैं, डॉक्टर उषा शर्मा जी हैं, हमारे छात्र के अध्यक्ष हैं और उपेंद्र यादव जी हैं, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, तमाम लोग और भुवनेश्वर पाठक जी, हम तमाम सब लोग आज ये अल्लाह से दुआ करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी की लंबी आयु हो और इसी तरह हम लोग उनकी याद में उनके हर साल जन्मदिवस को एक याद के रूप में और एक चैलेंज के रूप में, जो उन्होंने जिस तरीके का सपना देखा था इस देश के लिए, बिहार के लिए जैसा वो कर रहे हैं, हम सब लोग उनके आदर्शों पर चलने का शपथ लेते हैं। यही पार्टी के तरफ से उनके लिए। सर, अपना सर परिचय दीजिए। डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, पार्टी के प्रधान महासचिव।